हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छी गति से आगे बढ़ रही होगी। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और गति प्रदान करने के लिए, आपकी पढ़ाई को एक और नई दिशा देने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं। मैं हूँ आपका विनोद सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक के सभी चैप्टरों को विस्तार पूर्वक पढ़ा और अब बारी है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके भी सभी चैप्टर सभी टॉपिक को हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ताली तो बनती है ना, तो आइए ताली बजाते हैं और शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें तत्व को निकालते हैं, उसका निष्कर्षण करते हैं, अयस्क के रूप में तत्व पाए जाते हैं। सोचिए ना, अगर तत्व दुनिया में नहीं होता तो धातु दुनिया में नहीं होता, धातु विहीन तत्व विहीन दुनिया की जरा कल्पना करिए तो। आपके जीवन में अगर लोहा नहीं होता, सोना नहीं होता, चांदी नहीं होता, कॉपर नहीं होता, तो हम लोग कहाँ होते, कौन सी दुनिया। आप सोचिए, जो जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस मोबाइल के माध्यम से मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा पा रहा हूं, ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूं, अगर उसमें धातु नहीं होता तो काम करता, और वो मोबाइल का जो टावर वो भी नहीं होता ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं धातु कर्म, मेटरोलॉजी बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो ब्रह्मांड है ना, हाँ भाई पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्मांड है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो आपको पता है पहले से कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है केवल दो चीज़ों से हुआ है। ये मान लीजिए यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स बना है मैटर से और साथ में एनर्जी से। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत और प्रक्रम चैप्टर शुरू किया और बात करने लगे यूनिवर्स की। तो हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बात तो बनती है। अब आपको देखिए कि यूनिवर्स बना है मैटर और एनर्जी से। मैं पूछूंगा मैटर की चीज़ से बना हुआ है, तो मैटर के चाहे जो भी रूप हैं, मैटर के चाहे जो भी अवस्था है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, सब के सब मूल रूप से बने हुए हैं एलिमेंट से। अब आपको बात समझ में आई कि मैंने क्यों मैटर यहाँ से यूनिवर्स से शुरुआत किया। इसका मतलब कि आपके पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के जड़ में आपका ये तत्व है, इसलिए भी पढ़ना ये बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि जो भी द्रव्य है, द्रव्य के किसी भी अवस्था का जो मूल कण है, मौलिक जो इकाई है जिससे मिलकर बना है, वो तत्व ही है। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं यहां, द्रव्य के किसी भी अवस्था के निर्माण मूल रूप से तत्वों से ही हुई है, तत्वों क्या मतलब है कि द्रव की जो भी अवस्था, ठोस द्रव गैस जो भी अवस्था लें, क्या उसके निर्माण तत्व से हुई है, क्या बात करते हैं। अच्छा चलो एक चौक की बात करते हैं, एक पदार्थ है ना, तो चौक जो है अगर ये CaCO3 है तो जरा देखिए तो कैल्शियम से बना है, कार्बन से बना और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो तत्व से बना हुआ है। अगर हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी की बात करें तो पानी हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। आप जो नमक खाते हैं, इसी तरह से दुनिया के कोई भी पदार्थ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसके जड़ में तत्व ही हैं, तत्वों के मिलने से ही वो पदार्थ बना हुआ है। और इस तरह से इस ब्रह्मांड के जड़ में छुपा हुआ आपका ये धातु तत्व जिसको आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है जितने तत्व ज्ञात हैं उसमें से 80% मेटल हैं, ये भी लिख देते हैं। आपको पता है बहुत पहले साला की ज्ञात
सभी तत्वों में। स्टूडेंट्स मेरे साथ बिल्कुल एक एक टॉपिक को पढ़ते चलना है। अगर किसी वजह से फिजिकल का कोई अभी लेक्चर बचा हुआ है, आप नहीं देख पाए वीडियो, तो उसको देखेंगे पार्ट टाइम में, लेकिन आप हमारे साथ इनऑर्गेनिक में बढ़ते चलेंगे जिससे आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं। रोज के रोज आपको देख लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है। ज्ञात सभी तत्वों में 80% तत्व मेटल धातु ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो तत्व होते हैं ना, वो तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए तत्व इन हवाओं में भी हैं। अगर यहाँ कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है। अगर बात करूँ तो तत्व जल में भी मौजूद हैं, द्रव में भी मौजूद है, हवा में भी है, और मिट्टी में तो कहिए मत। ये जो जहाँ खड़ा हूँ मैं, आप जहाँ बैठो, अगर ज़मीन पे हो कहीं पे, तो आपके पैरों के नीचे का जो ज़मीन है उसको भूपरपट्टी कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और अर्थ क्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि अर्थ क्रस्ट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट जो है भूपरपट्टी तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये लिखते हैं भूपरपट्टी अंग्रेजी में इसको लिख देते हैं अर्थ क्रस्ट। सबसे बड़ा स्रोत है, जितने भी स्रोत हैं तत्व के उसमें से सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आपका ये भूपरपट्टी है जमीन में। अब देखिए ना कितनी अजीब बात है और कितनी मजेदार बात है। जहां मैं खड़ा हूं हमारे नाक के पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। और आपके पैरों तले जमीन के नीचे पता है कौन से तत्व सबसे ज्यादा है? तो आइए समझते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स यहां अटेंशन है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, दो लाइन है ये, नोट करिए और फिर उसके बाद देखते हैं। स्टूडेंट्स आपने कहा कि भूपरपट्टी तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आइए देखते हैं कि भूपरपट्टी में कौन से तत्व और कितनी मात्रा में मौजूद है। ये मान लीजिए कि हम लोग का भूपरपट्टी है, एक सर्किल के रूप में हमने दिखाया, तो आप जानिए कि इस भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में 46.6% मौजूद है आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि जमीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है। हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना है, ये भार के अनुसार है, द्रव्यमान के अनुसार है। अच्छा दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से तत्व हैं? तो दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में 27.7% मौजूद है, वो है सिलिकन। और तीसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है अल्मुनियम, 8.3% अल्मुनियम मौजूद है। और उसके बाद आता है बारी लोहा का, 4.7% के आसपास। यह है लोहा Fe। और इससे अगर कम की बात करें तो कैल्शियम होता है करीब 3.7 जो होते हैं ये 7% होता है, पोटेशियम है ये होता है 2.6%, सोडियम की बात करें ये भी लगभग वही होता है 2.6%, ये मान लीजिए पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये आपका कैल्शियम है। और जो बाकी जो बच गए ना अन्य तत्व, तो आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि भूपरपट्टी में तत्वों का प्रतिशत है, लेकिन किस आधार पर? ये भूपरपट्टी में तत्वों का प्रतिशत द्रव्यमान की दृष्टि से बाई मास, ये मास के आधार पर है। अब देखें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन। आपके पैरों तले आपके ज़मीन में सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन 27.7% के आसपास। और तीसरा पोजीशन बनाया हुआ है आपका अल्मुनियम 8.3% के साथ, और लोहा
बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 4.7% के साथ है। कितने नंबर पे है? तो चौथे, 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पोजीशन पे है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आपको दिखाऊं कैसे पूछा जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा प्रतिशत में पाया जाने वाला तत्व कौन है? और इसकी चॉइस में लिखा हुआ है, एक नंबर में ऑक्सीजन, दूसरा जो है वो है सिलिकन, तीसरा जो है वो है अल्मुनियम, और चौथा जो है संकेत ही लिख देते हैं Fe। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा तब जाके आप अंतर कर पाएंगे कि क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है, समझिए इसको। देखिए कितनी समानता है भूपर्पटी, लेकिन अंतर क्वेश्चन आंसर अलग हो जाएंगे। सबसे अधिक मात्रा या प्रतिशत लिख सकते हैं में अब देखिए चॉइस है यहां पर ऑक्सीजन, दूसरा है वही सेम चॉइस सिलिकॉन, और तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा है Fe। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगेगा थोड़ा सा नहीं अगर ध्यान देंगे तो गलत हो जाता है, अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं यहां देखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो दिख रहा है ऑक्सीजन, तो आपने कट से इसका टिक लगाया ऑक्सीजन। अब दूसरा में अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो ऑक्सीजन टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, ये पूछा गया, और धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, अल्मुनियम है, और इस तरह से इस सवाल का जवाब हो गया अल्मुनियम। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यहां पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स कि भूपर्पटी में प्रतिशत की दृष्टि से, मात्रा के दृष्टि से लोहा का कौन सा स्थान है धातु में, तो भूपर्पटी में लोहा का धातु में कौन सा स्थान है मात्रा की दृष्टि से, आप सोचिए, बोलिए भूपर्पटी में दृष्टि से धातुओं में लोहा कौन से स्थान पर है, तो अब यहां पर देखिए, ये मान लीजिए हमने इसको भी क्वेश्चन ही कर दिया, और यहां दिया है फोर्थ पोजीशन, फोर्थ बी में दिया है, मान लीजिए थर्ड पोजीशन, सी में लिखा हुआ है मान लीजिए सेकंड पोजीशन, और थर्ड में लिखा है फोर्थ में नन, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए भूपर्पटी में मात्रा के दृष्टि से धातुओं में Fe का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 फोर्थ, और गलत। जैसे आपने 4 कहा गलत, आप धातुओं में खोज रहे हैं, धातुओं में, तो धातु तो देखिए अल्मुनियम है और लोहा है, तो धातुओं में कितने स्थान पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेकंड पोजीशन। अगर मैं कहूं भूपर्पटी में ओवरऑल लोहा का स्थान क्या है, तो यही क्वेश्चन बदल के आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। भूपर्पटी में लोहा का स्थान अगर मात्रा के दृष्टि से देखें तो चौथा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उलझना नहीं है क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी हैं, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि जब नेचर में ही तत्व मौजूद हैं भूपरपट्टी में, तो क्या जमीन कोड़ोगे तो क्या लोहा का पिलर निकलेगा, अल्मोनियम का कटोरा निकलेगा? ऐसा तो नहीं है कि सोने का अंगूठी निकले। तो फिर तत्व तो किस रूप में है, किस अवस्था में है? इसलिए हमने एक क्वेश्चन के रूप में टॉपिक बना दिया है कि प्रकृति में तत्व तत्व जो होते तत्व किस रूप में, तत्व लिखे तत्व लिखना उचित नहीं है, तत्व किस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए तो प्रकृति में तत्व मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाया जाता है, बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति में तत्व निम्नलिखित दो अवस्थाओं में पाया जाता है। दोनों को समझिए कि कौन से अवस्था में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। एक है, पहला है ए में लिखेंगे मुक्त अवस्था, इसी को प्राकृतिक अवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। अब स्टूडेंट्स हमें समझना है कि कुछ तत्व जो होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन से तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों कोई तत्व जो है फ्री स्टेट में पाया जाएगा और क्यों दूसरा तत्व फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिन पर ताप का, दाब का, नमी का, CO2 गैस इत्यादि का कोई असर नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो ना के बराबर पड़ता है। तो वैसे तत्व जो होते हैं ना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब आप सीधे से शब्दों में कह दीजिए ना कि वे तत्व जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनको मतलब ही नहीं होता है बगल वाले तत्व से, बगल में क्या चल रहा है, नमी है कि दाब है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आराम से मजे से रह लेते हैं। तो जाइए लिख देते हैं, वे तत्व इसके बारे में, वे तत्व जिस पर ताप, दाब, नमी, CO2, etc. का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात इसका सीधा से अगर कह दें, इतनी बातें घुमा फिरा के, अर्थात वे तत्व जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, वे तत्व जो कम अभिक्रियाशील होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब सवाल है एक, अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा है कि आखिर वो कौन से तत्व हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो हम जरूर इसकी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कार्बन का तो आप नाम जानते ही हैं, तो सल्फर कौन सा नहीं जानते, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, लोहा है, सॉरी लोहा गलती से मैंने बोला, सोना, सोना संकेत लिख देता हूं, चांदी, प्लैटिनम, और कभी कभी कॉपर भी,
पर जो इसका दूसरा अवस्था है जिसको हम लोग संयुक्त अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में भी पाया जाता है और मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, याद रखिएगा कपर के बारे में। तो इन तत्वों पे ताप का, दाब का, नमी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है स्टूडेंट, और नहीं पड़ता है तो अकेले पड़े हुए हैं, मुक्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तब फिर एक सवाल खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या जहाँ सोना मिलता है जाते हैं, सोना निकाल के चले आते हैं, सोना का टुकड़ा मिलता है? नहीं, होता क्या है कि जो संयुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उन्हीं के साथ ये मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। तो दूसरा हो गया, जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है वो ये है बी में, संयुक्त अवस्था। एक है मुक्त अवस्था, दूसरा है संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट कहते हैं। आइए समझते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे, अब देखिए ना, इसको समझने के लिए बात छोड़िए, कितना बात समझा जाएगा। आपकी क्लास में, स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो महीनों से आते हैं, हो सकता है 2-4-5-10 महीने से लगातार आपके अगल बगल के बेंचों पर बैठता है, आप उसका नाम तक नहीं जानते। और कुछ लड़का है जिस दिन पहले ही एंट्री किया ना, जबरदस्त झगड़ा किया, या मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको आप फर्स्ट दिन से ही जान गए कि हाँ इसका नाम ये है, ये है, ये है, इसमें ये क्वालिटी। क्यों? तो दोनों बच्चों के स्वभाव में अंतर है। जो बहुत ज़्यादा घुलनशील है, मिलनसार है, या मतलब जो भी कहिए, उसको तुरंत दोस्ती बन जाती है उसके साथ। और जो थोड़ा सा किसी बातों से न प्रभावित होता है न प्रभावित करता है, वो अकेले रह जाता है। वही हाल है तत्वों का। कुछ तत्व ऐसे होते हैं ना जिस पर ताप का, दाब का, नमी इत्यादि का प्रभाव खट से पड़ता है तो तुरंत यौगिक बना लेते हैं और वैसे संयुक्त में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे वे तत्व जिस पर ताप, दाब, वहीं पर जो लिखे हैं नमी, CO2 एयर से ETC का आसानी से प्रभाव पड़ता है, का आसानी से प्रभाव पड़ता है, अर्थात कब पड़ेगा, इनके विक्रियाशीलता अधिक होती है, अर्थात जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व क्या होते हैं, तो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब रही बात, आप तो समझ गए होंगे बहुत आसान है कि क्यों, क्योंकि आसानी से ताप, दाब, नमी इत्यादि से प्रभावित हो जाता है तो अकेले कैसे रहेगा। ये तो उस पड़ोसी की तरह है ना कि या तो रात दिन दूसरे से मतलब प्रभावित होते रहता है। अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, पाए जाते हैं। तो जैसे उदाहरण में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए कि सोडियम है, ये पोटेशियम है, लोहा है, अभी हाँ जैसे इसमें हाँ एक बात है, कॉपर भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, एल्युमिनियम ETC। अरे ज़्यादातर तो इसी में आएंगे, इसमें तो गिने चुने हैं, ज़्यादातर तो इसी संयुक्त अवस्था में आते हैं ना। आपके आसपास के ज़्यादातर लोग तो मिलनसारे हैं, आपके फैमिली में सभी लोग तो मिलजुल के ही रहते हैं, तो वो साधु होने वाले लोगों की संख्या तो थोड़ी कम है ना। तो आप इसको नोट करिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, अगले टॉपिक की चर्चा। आइए स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के मजेदार हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, धातु के निष्कर्षण का अध्ययन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषिक शब्द हैं, उन शब्दों का पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो सके, सुगम हो सके। तो आइए इस क्रम में पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत पहले से आप जानते हैं इस चीज को, वो है खनिज, मिनरल्स। मुझे याद है कि एक बार एक टीचर जो है अपने क्लास में खनिज पढ़ा रहे थे, और खनिज पढ़ाने के क्रम में उन्हें समझाया बच्चे को कि देखो जो खनिज है वो है ख नी अज,
ज का मतलब जमीन, नी का मतलब नीचे, और ख माने खनन। उन्होंने परिभाषा समझा दिया, जमीन के नीचे से खनन कर निकालने जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। विद्यार्थी ने तुरंत कहा कि सर, अगर कहीं ज़मीन कोड़ा जा रहा है और एक चूहा निकल के भागे तो क्या उसको खनिज कहेंगे, क्योंकि चूहा तो ज़मीन के नीचे से निकला हुआ है। तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप चूहा को तो खनिज नहीं बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या बातें हैं। तो खनिज में एक्चुअली है क्या, खनिज में तीन बातें होनी जरूरी है। एक प्राकृतिक, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए, प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो कहे चूहा तो प्राकृतिक है, हाँ भाई बिल्कुल। आगे की तो देखिए, रासायनिक प्राकृतिक ही केवल पर्याप्त नहीं है, रासायनिक होना जरूरी है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तत्व का, धातु का होना, धातु, धातु की पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा लिखना और ज़्यादा उचित होगा। धातु की प्रचुर मात्रा, ये तीन बात के साथ साथ जमीन के नीचे से अगर खन के निकाल दे स्टूडेंट्स, तो वही है खनिज। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। हाँ, चूहा खनिज नहीं है, ये याद रखना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जमीन के नीचे वह प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ जिसको जमीन के नीचे से खन के निकाला जाता है और जिसमें धातु जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्या कहलाता है, खनिज। वह प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ जिसे जमीन, मिट्टी, पृथ्वी के नीचे से खनन, मतलब हो गया माइनिंग, डिगिंग, खनन कर प्राप्त किया जाता है। तथा जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में, माने अधिक मात्रा में, कहीं प्रचुर मात्रा में होता है खनिज, खनिज कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ गए, खनिज क्या चीज है। तो खनिज क्या है, तो पृथ्वी के नीचे कुछ प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ गड़े हुए हैं मिट्टी में, उसको कोड़ना है, निकालना है, और उसी का नाम खनिज है। उस बशर्ते उसमें धातु होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, मतलब धातु होनी चाहिए। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक नेचुरल ऑकरिंग होना चाहिए, केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें क्या हो, तो धातु हो, उसका नाम क्या हो गया, खनिज हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है स्टूडेंट्स, बड़ा प्यारा शब्द है, दूसरा शब्द है, और वो है अयस्क। अयस्क, ओर्स, ये ओर क्या है, तो जो खनिज है ना, उसी खनिज में एक विशेष प्रकार के खनिज को अयस्क कह देते हैं। अयस्क कोई अलग से चीज नहीं है, वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्च पर सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त कर ले। आप यूं समझिए कि लोहा के, मान लीजिए कि चार गो खनिज दिया हुआ है, उसमें से एक आपने चुना, उसमें आपने 1,000 रुपया खर्चा किया और धातु लोहा निकाला, और लोहा निकला 200 रुपया का। ये भाई क्यों बिजनेस करेंगे, 1,000 रुपया खर्च किया और लोहा 200 रुपया का मिला। लेकिन सोचिए, दूसरा भी खनिज है, उसमें हमने 1,000 रुपया खर्च किया और हमको 2,500 का लोहा प्राप्त हुआ, तो ये तो बेनिफिटेड है ना। तो जो कमर्शियली बेनिफिटेड हो, सुगमता पूर्वक हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैंने लाभप्रद हो, उस खनिज को ही अयस्क कह देते हैं। तो खनिज अलग से चीज़ नहीं है, वो अयस्क ही है, सॉरी अयस्क कुछ अलग से चीज़ नहीं, वो खनिज ही है।
तो लिखेंगे कि वह है खनिज जिससे सुगमता पूर्वक कम खर्च। अच्छा, कम खर्च करने का मतलब यानी इकोनॉमिकली बेनिफिटेड होना चाहिए। कम खर्च का मतलब हो गया कि वो क्या हो, तो आपको लाभप्रद हो, तब कम खर्च पर वह खनिज जिससे सुगमतापूर्वक कम खर्च पर धातु प्राप्त किया जा सके उस खनिज को ही अयस्क कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बड़ा फेमस लाइन है स्टूडेंट्स, कि जितने भी अयस्क हैं सब के सब खनिज है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, हाँ, लेकिन सभी जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं हैं। आप यूँ समझिए कि जितने भी डॉक्टर हैं सब इंसान हैं, लेकिन सभी इंसान डॉक्टर नहीं हैं। तो आप कहते हैं, एक लाइन लिख देता हूँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं। बड़ा फेमस लाइन है, आपको बहुत पहले से पता है खनिज होते हैं, लेकिन अब क्या करें, हम भी लिखना है तो लिख ही दे रहे हैं, होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर। जितने भी ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। अब यहां पर एक स्टूडेंट्स अब और आगे बात बढ़ाते हैं, खनिज जो अयस्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अयस्क को हम लोग सात हिस्सों में, सात भागों में बांटते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले इसको नोट करना होगा, फिर हम लोग उसका अयस्क कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उसके एग्जांपल क्या हैं, आपके लिए लिखने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया अयस्क सात प्रकार के होते हैं, सुविधा के लिए हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। एक हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ध्यान दीजिए, ऑक्साइड अयस्क में स्टूडेंट्स ओ माइनस माइनस रहेगा ही रहेगा। उदाहरण के लिए आपको याद रखना होगा, एग्जाम में खास करके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि क्यूपराइट का निम्न में से कौन सा सूत्र है, अथवा मैचिंग, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे मैचिंग क्वेश्चन मिलान कराने वाले। तो आपको जैसे ऑक्साइड अयस्क का याद रखना होगा, महत्वपूर्ण ऑक्साइड अयस्क जो है, उसी तरह से कार्बोनेट अयस्क का मतलब कि इसमें CO3 माइनस माइनस रहेगा ही। किसी भी जैसे लाइमस्टोन देखिए CaCO3 में सलाह करिएगा, Ca++ CO3 माइनस माइनस हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का मतलब होता है वह अयस्क जिसमें S माइनस माइनस हो, जैसे जिंक ब्लेंड वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण अयस्क हैं, निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा। सल्फेट अयस्क का मतलब हुआ कि वह अयस्क जिसमें SO4 माइनस माइनस आयन मौजूद हो, वो हो जाता है सल्फेट आयन। हैलाइड का मतलब हो गया कि जिसमें X माइनस, या X का मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इस तरह से ये मौजूद हो। और सिलिकेट का मतलब हुआ कि SiO2 तो रहे ही रहे। और फास्फेट का मतलब PO4 + 3-, ये अगर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको करना यही है कि ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फेट अयस्क, हैलाइड, सिलिकेट और फास्फेट, सब के नाम के साथ साथ इसके एग्जाम्पल को याद रखना होगा। अब इसके बाद जो होते हैं, हमको ये देखना है
कि ये जो अयस्क हैं इसमें क्या कोई अशुद्धि है, उस अशुद्धि को कैसे बाहर करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी तो हम लोग अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए बेसिक और महत्वपूर्ण जो पद है उसको जाने, तो उसमें एक दो और छोटे छोटे पद हैं और उसके बाद आ जाएंगे सीधे अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए बात करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, उसके बाद और बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास अयस्क है ना, जब मिट्टी से आप जब निकालते हैं अयस्क को, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे धूलकण होता है, मिट्टी होता है, कंकड़ पत्थर होता है, उसमें लगा रहता है, मतलब अशुद्धि होती है। कैसी अशुद्धि? जिसको आप हटा देना चाहते हैं, अवांछित अशुद्धियाँ। और उसी अवांछित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हिंदी में अशुद्धि या अधात्री कहते हैं। लेकिन याद रखिए, हम लोग गैंग या मैट्रिक्स ही बोलेंगे। याद है, गैंग या मैट्रिक्स माने अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? तो जो अयस्क में मौजूद होता है, अर्थी पार्टिकल्स होते हैं, धूलकण होता है, मिट्टी लगा होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। तो आप सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंगियामैटिक्स कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और बढ़िया बात, जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, दो प्रकार की होती हैं। मैंने आप कहिए कि जो गैंग हैं ये हैं दो तरह के। एक को कहते हैं हम लोग एसिडिक गैंग, मतलब अम्लीय अशुद्धि, और दूसरा को कहते हैं बेसिक गैंग, जिसको आप कह सकते हैं क्षारीय अशुद्धि, अम्लीय अशुद्धियां। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जिनकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती हैं, और कुछ होती हैं क्षारीय अशुद्धियां। तो याद रखना होगा, मेटलॉजी में ये काम आएगा। तो गैंग जो होते हैं अयस्क में, जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि का नाम है गैंग या मैट्रिक्स कह लीजिए। और गैंग या मैट्रिक्स कितने तरह के होंगे? दो प्रकार के, या तो अम्लीय होंगे नहीं तो क्षारीय होंगे। आइए अगला शब्द हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा शब्द है। अब देखिए, गैंग मैट्रिक्स के बाद एक और शब्द है फलक्ष, ये भी जानना होगा आपको। एप चौक तो सब टूट टूट करके बर्बाद है। फ्लक्स, इसको भी आप इसी रूप में याद रखिए, फ्लक्स को फ्लक्स ही। ये क्या है? तो अब देखिए, आपका कपड़ा है गंदा हुआ है, आपने क्या किया उसमें एक और गंदगी डाला, पानी डाल के, सर्फ गंदगी ही है क्या? लगता है गंदगी नहीं है तो सर्फ डाल के शरीर पे निकल जाएंगे क्या मार्केट में? तो सर्फ भी एक तरह गंदगी, लेकिन वो कैसी गंदगी है जो पहले से कपड़े में मौजूद गंदगी को हटाती है, अपने भी निकलती है और गंदगी भी निकाल लेती है। जैसे अब साबुन है, तो साबुन क्या लगता है? कोई बहुत बढ़िया चीज़ है। साबुन भी एक तरह की गंदगी है जो त्वचा पर रगड़ रगड़ के और अपने त्वचा की गंदगी हटाते हैं और साबुन भी हट जाता है। तो होता क्या है कि अयस्क में ये गैंग होते हैं, उस गैंग को हटाना चाहते हैं, उस गैंग को हटाने के लिए एक और अशुद्धि बाहर से मिलानी होती है, और उस अशुद्धि को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, आप गैंग कह सकते हैं, अशुद्धियों को हटाने के लिए हटाने के लिए
एक बाहरी पदार्थ, जैसे सरफ हो तो बाहरी पदार्थ हो गया ना, बाहरी पदार्थ अयस्क में मिलाया जाता है। इस बाहरी पदार्थ को ध्यान रखिएगा कि बाहरी रासायनिक पदार्थ होते हैं, इस बाहरी पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो अशुद्धियां भी है फ्लक्स कहते हैं। अगर अशुद्धि जो है दो तरह के हैं तो उसको हटाने वाले जो फ्लक्स वो भी दो तरह के, मैंने समझिए जैसी देवता वैसी पुजारी वाली बात हो गई। अशुद्धि जिस क्वालिटी की होगी उसी तरह से उसको हटाने वाला चीज़ आप लगा देंगे। तो आप यह जानिए कि फ्लक्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, और दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स। जैसे एसिडिक गैंग की अगर हम लोग बात करें तो अब होता क्या है कि अगर आपके अयस्क में अम्लीय अशुद्धि है तो उसको हटाने के लिए इसमें का क्षारीय फ्लक्स चाहिए। अगर क्षारीय अशुद्धि है तो उसको अम्लीय अयस्क से हटाते हैं। मैंने सीधे समझिए कि अगर अयस्क में अम्लीय अशुद्धि हो तो उसको हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स की आवश्यकता होगी, तभी तो एसिड और बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके निकल जाएगा। तो यहां एक लाइन लिखना बनता है, यदि अयस्क में अम्लीय अशुद्धि हो तो उसे निकालने के लिए क्षारीय फ्लक्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अगर क्षारीय ही फ्लक्स अशुद्धि हो गया तो अम्लीय फ्लक्स की आवश्यकता होगी। अब एक और शब्द है जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं, लेकिन आप इसको पहले नोट करिए फिर उसको लिखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला शब्द है और वो है स्लैग। इसको धातु मल भी कहते हैं, धातु मल। ये क्या चीज है अब देखिए, तो अयस्क में जो अशुद्धि है उसका नाम क्या है, गैंग। उस गैंग को हटाने के लिए बाहर से आपने क्या मिलाया, फ्लक्स। जब गैंग और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जिसका नाम है स्लैग। तो आप लिखते हैं कि जब अयस्क में उपस्थित अयस्क में मौजूद गैंग फ्लक्स से अभिक्रिया करता है तब एक रासायनिक पदार्थ बनाता है, पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्लैग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये है गैंग जो आपके अयस्क में उपस्थित है, आपने इसमें मिलाया फ्लक्स, दोनों अभिक्रिया किया और बन गया स्लैग। आपने समझा,
गैंग ये कहाँ है, अयस्क में, ये अपने बाहर से मिला या बाहरी पदार्थ है, अभिक्रिया करके क्या बन गया, स्लैग। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि गैंग के रूप में आपके पास मौजूद है FeO और ये है क्षारीय, तो जाहिर सा है कि फ्लक्स के रूप में कोई अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे, तो मिलाते हैं इसमें SiO2 और ये है अम्लीय। अब देखिए स्टूडेंट्स, गैंग फ्लक्स रिएक्शन किया और ये बना देता है FeSiO3, यही है आपका स्लैग। इस स्लैग के बारे में दो बातें बहुत ही नोटवर्थी है। पहली बात ये कि ये द्रवित धातु से हल्के होते हैं, ये माने स्लैग द्रवित धातु से हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण क्या होता है कि द्रवित धातु के ऊपर तैरते हैं, अतः ये द्रवित धातु के ऊपर तैरते हैं, आप लिख लीजिएगा एक लाइन। दूसरी, ये द्रवित धातु में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसका मतलब कि ये द्रवित धातु में घुलते भी नहीं हैं और हल्के होते हैं, जिसकी वजह से द्रवित धातु के ऊपर तैरते रहते हैं। इसके बहुत सारे और इम्पोर्टेंस है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स है, अगला है एक शब्द है, छोटा सा शब्द मैं चाहूँगा यही लिख दूँ, उसको कहते हैं हम लोग मेटरलॉजी, छठा शब्द है धातु कर्म। अब क्या है धातु कर्म, तो देखिए आपके पास अयस्क है, उस अयस्क से धातु के पास पहुंचने में अनेक स्टेप भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है, और उन सभी स्टेप्स को भौतिक रासायनिक जो प्रक्रिया है उसको एक शब्द में कहें तो उस पद शब्द का नाम होगा धातु कर्म। मतलब अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अनेकों चरण से अयस्क को गुजरना पड़ता है, उन सभी चरणों को एक शब्द में धातु कर्म कहते हैं। तो लिखते हैं अयस्क से धातु प्राप्त करने में अयस्क को अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, इन सभी चरण जितने भी स्टेप्स हैं, चरणों मैंने स्टेप्स को एक शब्द में मेटरलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स उतार लेना, थोड़ा नीचे लिखा नहीं पाता है, कहते हैं आप समझ गए। अरे यार सिंपल सा है, आपके पास अयस्क है, अयस्क से धातु निकालने के लिए उसको धातु अयस्क को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, आप लिख सकते हैं अयस्क है और यहाँ पे धातु है, बीच में सो मेनी स्टेप्स हैं, उन सभी चरणों को एक शब्दों में क्या कह देंगे, मेटरलॉजी कहेंगे, धातु कर्म कहेंगे। अब है कि कौन कौन से वो चरण हैं, तो उन चरणों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।